हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज कोई रेसिपी लेकर नहीं आई, आज आई रिफ्लेक्शन दिया लेकर। जी दोस्तों, रिफ्लेक्शन दिया ये वाटर एंड ऑयल बेस्ड एक दिया है जो कि जलाने के बाद दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मैं बिल्कुल सही तरीका दिखाऊंगी जिस तरीके से आपकी दिया जो है रात भर जलेगी, बिल्कुल भी बंद नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, ये है मेरा रिफ्लेक्शन दिए का बॉक्स। ये बॉक्स मुझे पिछले दिवाली पर मिला था, तब भी मैंने यूज़ किया है और यूज़ करके ऐसे ही संभाल कर धोकर रख दिया है। तो इस साल भी मैं यही यूज़ करने वाली हूँ। इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्शन दिया आप एक बार ख़रीदेंगे तो कई साल तक आपका यह चल जाएगा और दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है, स्टैंडर्ड लगता है और खूबसूरत लगता है। तो इसके साथ रहते स्प्रिंग और पंती यानी बाती या बत्ती जो भी कहते हैं, और बाती अगर ख़त्म हो गई हो तो कोई भी दूसरी बाती आप यूज़ कर सकते हैं, और स्प्रिंग जो है स्प्रिंग को संभाल कर रखना है। तो देखिए, ये मैं नॉर्मल बाती ले रही हूँ, कॉटन की बाती ये एक ले रही हूँ, और जो इसके साथ दिया हुआ है वो भी ले रही हूँ। ठीक है, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं जलाऊंगी, तीन दिए मैं जलाकर आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से करना है। तो पहले हमें ये स्प्रिंग लेना है, ये जो है अनयूज्ड है, पिछले साल में यूज़ नहीं किया था, और जो यूज़ किया था वो भी मैंने धोकर रख दिया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो पहले तो स्प्रिंग के अंदर हमें बत्ती को इस तरह से घुसा लेना है। ये जो नॉर्मल कॉटन की पंती है घर की, ये मैं पहले डालकर दिखा रही हूँ, और पूरी तरह बिल्कुल इधर से उधर नहीं डालना है, बीच में से हमें इसको निकाल लेना है। देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, इसी तरह से आधा या आधे से भी कम हमें पंती को डालना है और फिर निकाल लेना है बाहर। और इस तरह से जितना हम बाहर रखेंगे वो ऊपर की तरफ जो है इतना हम जलाएंगे, और जो नीचे की तरफ रहेगा यानी कि जो स्प्रिंग के बाहर या नीचे की तरफ, ये हम तेल के अंदर डालेंगे। तो इसी तरह से सभी स्प्रिंग हमें तैयार कर लेना है। आप जितनी दिया जलाना चाहते हैं उतना आप तैयार कर लीजिए। देखिए ये है, ये जो पंती है ये दिए के बॉक्स के साथ ही थी, तो मैंने तीन स्प्रिंग तैयार कर ली है, और ये है पिछले साल के यूज़ किए हुए स्प्रिंग्स, ये मैंने धोकर रख दिए थे। इस तरह से आप भी बार बार यूज़ कर सकते हैं। तीन दिए मैंने ले लिए हैं, और अभी देखिए सबसे पहले क्या करना है, दिए के नीचे एक चम्मच करके पानी डालना है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक चम्मच, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। इतना सा पानी डालने का मतलब ये है कि हम जब दिए को जलाएंगे तो तेल गर्म हो जाएगा और उससे प्लास्टिक जलेगा नहीं। नीचे अगर एक चम्मच पानी रहेगा तो दिए का प्लास्टिक जलेगा नहीं, यानी कि ये प्लास्टिक के दिए है इसीलिए ये थोड़ा सा काम, छोटा सा काम कर लेना है। और ये देखिए स्प्रिंग और पंती को इस तरह से पकड़ना है। देखिए किसी भी तरह पंती में पानी नहीं लगना चाहिए, पंती को हमें ऊपर करके ही रखना है, और ये दिए में जो होल्डर दिया हुआ है होल्डर में स्प्रिंग को इस तरह से डाल लेना है, यानी कि होल्डर में स्प्रिंग को अटका लेना है तो स्प्रिंग बिल्कुल खड़ा रहेगा। और उसके बाद पंती को हमें इस तरह से हाथ में पकड़ना है ताकि पानी ना लगे, और उसके ऊपर से हमें तेल डालना है। तेल बिल्कुल दिए में भर के डालना है, जितना आप तेल डालेंगे उतनी देर ही आपकी दिया जलेगी। यानी कि ये वाटर बेस्ड दिया नहीं है, ये ऑयल बेस्ड दिया है, इसमें बस एक चम्मच पानी का काम है और बाकी दिया भर के हम तेल डालेंगे ताकि रात भर हमारी दिया जले। सो देखिए ये इस तरह से मैं पहना लेती हूँ, फिर से आपको दिखा देती हूँ। देखिए पंती को ऊपर करके रखना है ताकि किसी भी तरह पानी ना लगे पंती में, और तेल में पंती को अच्छे से भिगो देना है। इस तरह से हम सारे दिए को तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम तेल डालेंगे, जितना तेल आप डालना चाहते हैं, यानी कि हम दिए को भर के ही तेल डालेंगे क्योंकि हम दिवाली के रात को जलाने वाले हैं। तो दिए को बिल्कुल भर के तेल डालेंगे ताकि बिल्कुल रात भर दिया जले। तो इस तरह से मैंने सभी दियो को तैयार कर लिए हैं, और पंती को अच्छे तरीके से भिगो देंगे तेल से ताकि ये सूखा ना रहे, उसके बाद हम दिए को जलाएँगे। जलाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना सुंदर लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। वैसे तो मेरा जो फ्लोर है ये लाल रंग का है, इसलिए इतना ज़्यादा अच्छा समझ नहीं आता है, तो इसलिए मैं आपको एक वाइट कलर के प्लेट में लेकर दिखाऊंगी। मैंने लाइट सारा ऑफ़ कर दिया है, लेकिन फ्लैशलाइट अभी तक चालू है, तो मैं अभी फ्लैशलाइट भी बंद करके आपको दिखाऊंगी। पहले तो एक वाइट प्लेट में ले लेती हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे, समझ आए कि कितने अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट होता है इसका कलर, इसकी लाइट बहुत अच्छा लगता है दिखने में। ये देखिए दोस्तों, अभी तक फ्लैशलाइट चालू है, तो अभी मैं आपको फ्लैशलाइट बंद करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, लाइट मैंने ऑफ़ कर दिया फ्लैशलाइट, और अभी देखिए इसका कलर कितना बढ़िया लग रहा है।
दोस्तों आपको भी अगर इस दिवाली में रिफ्लेक्शन दिया जलानी हो और ऑनलाइन अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर ख़रीद सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये रिफ्लेक्शन दिया बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक बार अगर आप ख़रीदेंगे तो 5, 6, 8, 10 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप धो कर संभाल कर रख देंगे तो आप बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है, बार बार करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। बाय बाय, टेक केयर।